अरे कुछ नहीं है, अरे भाई क्या, अरे कुछ नहीं है शिवराज। लाइट करना गाड़ी का। वाह वाह बारिश आए आ सकती। क्या हुआ दूसरी चमक तो गई है। इनके अंदर हमने जहाँ पर बस खड़ी की थी वो बस यहाँ है और इस बस के अंदर हमने पूरा अपना सामान जो है वो भर लिया है। तो एक बार वो आप सामान देख लो और बस के अंदर से कंडीशन देख लो और आज होने वाला क्या है वो मैं आपको धीरे धीरे नेक्स्ट में धीरे धीरे बताता रहूंगा। तो फटाफट अंदर आ जाओ। तो गाइस यार यहाँ पर हमने काफी सारी चिप्स डाल रखी है। यहाँ पर एक पतीला भी है जिसे भगोना बोलते हैं, चाय शक्कर कप लाइटर वगैरह सब कुछ है, कोल्ड ड्रिंक भी है यहाँ पर, ये ग्लासेस भी है यहाँ पर, एक केटली भी है जिसके अंदर हमने दूध इकट्ठा कर रखा है, यहाँ पर गैस की टैंक है पीने के लिए पानी है और यहाँ पर गैस स्टोव है और उसको जलाने के लिए माचिस है। तो गाइस यार आज होने वाला ये है कि यार हम सभी लोग जो है चार लोग, गुड्डू, दिनेश, मैं और ये जीतू कैमरामैन, वो सब लोग इस गाड़ी के अंदर रहने वाले हैं, वो भी पूरी रात, जहां तक हो सके पूरी रात। और ये जो गाड़ी है हमने बिल्कुल सुनसान जगह पर छोड़ रखी है और ना हम कहीं पे जा सकते हैं और ना बाहर से कोई यहाँ आ सकता है। और अभी टाइम हुआ है 8:23 और बाहर बहुत ज्यादा बिजलियां कड़क रही है। तो गाइस यार अब वीडियो फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं कि यार हम लोग इस गाड़ी के अंदर, बड़ी सारी बस के अंदर नाइट बिता पाते हैं या फिर नहीं। गाइस नाइट बितानी है पूरी रात इस बस के अंदर, स्कैरी नाइट एंड बस शुरू करते हैं। तो गाइस यार बिताने के लिए तो यार मैंने 12 घंटे अकेले इसी जगह पर बिताए जहां पर बहुत ज्यादा डर हो, जहां पर मैंने अकेला भी सर्वाइव किया है और वहां पर मैंने कई बार ऐसा भी फील किया कि यार मेरे पास कोई ना कोई मौजूद है। लेकिन गाइस यार उन सब जगहों में से एक जगह ये ऐसी है जहां पर हमने कभी भी कदम तक नहीं रखा है। रात के अंदर यहां पर कोई भी आता जाता नहीं है और हमने ये हिम्मत कर डाली है और ये जो बस है वो हमने इसलिए चूज़ की ताकि यार अगर रात के अंदर कुछ भी गड़बड़ हो या रात का बारिश का मौसम है, अगर बारिश भी आ जाए तो यार हम लोग भीगे नहीं। हम चार लोग हैं, दिनेश, गुड्डू, मैं और जीतू। इन चारों के अलावा हमारे पास कोई भी ना तो रहेगा और ना ही बाहर से आ पाएगा। तो फटाफट से अब हम इस बस के अंदर चलते हैं और आपको बता दूं यार हम जब बस के अंदर चले जाएंगे तो यार बाहर कोई भी नहीं आएगा क्योंकि यार यहाँ पर माना जाता है कि यार बस के जस्ट पीछे बहुत ज़्यादा वॉन्टेड पैलेस है। तो गाइस यार कसम से अभी से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरा गला भी ख़राब हो रहा है, रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं और आगे बोला भी नहीं जा रहा कि यार मैं आगे स्क्रिप्ट के अंदर क्या बोलूँ। तो गाइस यार ये कोई भी स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, आपको बता दूँ जो हम फील करेंगे, क्यों गाइस, बिल्कुल जो हम फील करेंगे वो सब आपको दिखाया जाएगा, चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो आपको लास्ट तक देखना है। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर हम बच गए तो, और अगर आप वीडियो आ गए तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एक बार उधर का नज़ारा दिखा दे। हाँ वहाँ पर ध्यान से चलना है ना, पीछे का नज़ारा ध्यान से चलना है, वहाँ पर डेंजर है। यार ये वही जगह है जिस जगह से हमें खास तौर से दूर रहना है। अभी तो टाइम ठीक हुआ है, यानी कि यार 8:31 हुई है, इतना ज़्यादा डर वाली बात नहीं है। जैसे ही रात के 11:12 या 1 बज जाएंगे तब यहाँ का जो माहौल है, सच में कसम से बता रहा हूँ,
वो बहुत ज़्यादा अलग हो जाएगा। तो फटाफट से इस जगह से चलते हैं और अपनी बस के अंदर ही चलते हैं, ठीक है। और छोटे छोटे जो बारिश की बूंदें होती है वो गिरने लग गई है। गाइस अब हमारा टाइम शुरू हो गया है, हम ना तो बस से नीचे जा सकते हैं और ना ही अब कोई बस के अंदर आ सकता है। चार बंदे हैं और चार बंदों को पूरी रात यहां पर गुजारनी है। जैसे सुबह के 6 बजेंगे सूरज निकलेगा, हम लोग घर चले जाएंगे, ठीक है। तो दुआ करना कि यार रात के अंदर कुछ ना हो। जो मुझे अंदेशा है हम सबको पीछे वाली साइड का, उस साइड कुछ भी ना हो और ना हम उस साइड जाएंगे रात को और ना ही वहां पर जाने की कोशिश करेंगे, बस के अंदर रहेंगे बस। तो अभी टाइम हुआ है 8:34, तो अब लग जाते हैं। क्या करें, पानी पिए पहले थोड़ा। चलो पहला सूख रहा है, फुल पिएगा पानी पहला। तो गेट देते, गेट बस का गेट लगता है। गजर रात के अब टाइम हुआ 9:01, हम सब ने खाना खा लिया और उसको हजम करने के लिए और थोड़ा टाइम पास करने के लिए ये वाली चीज भी लेते हैं। काफी कमाल की है क्योंकि यार जब भी मैं कहीं पे नाइट स्पेंड करता हूँ तो यार इस चीज का सारा जरूर लेता हूँ, पता नहीं क्यों लेकिन ये चीज मुझे चाहिए ही चाहिए। चीयर कर लेते हैं। चीयर्स दे दे रहा। तो अभी 9:02 हुए हैं, बाहर हो सकता है अभी तो बारिश नहीं आई है लेकिन 100% बारिश आएगी, पक्का यकीन है क्योंकि इस साइड से बारिश आने वाली थी जब हम वीडियो शूट करने आए थे। तो अभी तो डर नहीं लग रहा ना? डर तो नहीं लग रहा, बारिश जरूर आएगी। अभी तो नहीं लग रहा, अभी नहीं लग रहा। तो गाइस यार बस से बाहर तो हम नहीं आ सकते लेकिन यार विंडो की साइड से और गेट की साइड से बाहर मुंह जरूर निकाल सकते हैं और पता कर सकते हैं कि यार आसपास क्या हो रहा है। अंदर आ जा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यार गैस स्टोव भी हमने यहाँ पर रख रखा है, नींद आए तो हम चाय पी सकते हैं और सब कुछ आपको यहाँ पर शूट करके दिखा सकते हैं कि यार आसपास क्या हो रहा है। बारिश भी आ सकती है। लगभग हमें 50 मिनट हो गए यहाँ पर आए हुए और 9 से ज़्यादा बज गई है। तो अब देखते हैं कि यार आगे आगे होता है क्या, क्योंकि यार अभी तो 40-50 मिनट ही हुए हैं। तो गाइस यार टाइम हुआ है 10:32 और आप बाहर देख सकते हैं कि यार बारिश जो है बहुत भयंकर तरीके से आ चुकी है और मैं पैर तो नीचे नहीं रख सकता लेकिन यार बारिश में भीगने का मजा ही कुछ अलग है। लेकिन यार अभी तो मैं भीग नहीं सकता और पीछे आवाजें सुनो यार। वाव, ओहो भाई आ रही है बारिश, जोरदार आ रही है। आ रही है क्या? भीग रहा हूँ, अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल, ज्यादा भीग रहा हूँ मैं। तो गाइस यार यहाँ पर आप देख सकते हैं दिनेश जो है खिड़की दरवाजे बंद कर रहा है पूरी बस के और यहाँ पर गुड्डू खाने के लिए बेताब हो रहा है। बाहर बारिश आ रही है, भूख लगी है यार। चाय बनाए, चाय बनाओ ना, अभी थोड़ी देर। चाय बनाए क्या? हाँ बनाते बनाते। ओए चाय के मास्टर, अभी बना रहे हैं। 10 मिनट रुक, खिड़की दरवाजे बंद की। गाइस अभी टाइम हुआ है 11:42, चाय हमने पी ली है, काफ़ी देर तक मस्ती भी इस बस के अंदर कर ली है। मैं और कैमरामैन स्टिल अलाइव है, अगर कुछ भी होता तो हम शूट कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर देखो क्या है। ये बंदे जो है थक गए। दिनेश ओए क्या हुआ, उठ। कितनी बजी है? कैमरा 11:42। अरे उठो। अरे
उठा हुआ मैं। ये तो उठा हुआ है। 11:42 हो गए भाई। नींद नहीं आई मुझे ना। तो गाइस यार अभी टाइम जो हुआ है वो हुआ है 12:23 और थोड़ी बहुत भूख भी हम लोगों को लग चुकी है। यहाँ पर अपना स्टैंड बड़ा है, जी तो सूट ले रहा है, गुड्डू यूं आलस में पड़ा है, दिनेश भी पड़ा है, मुझे भी आलस आ रहा है। और ये क्या है गुड्डू वहाँ पे देख, क्या है भाई ये क्या है, फिर हटाना जरा। अभी रात के टाइम 12:24 हुई है और रात के टाइम ये चीज, इससे दूर है ना थोड़ा। ओए ओए मत कर। तो गाइस गाड़ी पूरी पैक है लेकिन यार ये जो चिड़िया है पता नहीं कहाँ से गाड़ी के अंदर आके बैठ गई है और हम इतने लोग हैं फिर भी ये चिड़िया बिल्कुल भी नहीं डर रही, इससे थोड़ा दूर है ना। शैतानी कोयल है, शैतानी कोयल है। जी तो इससे दूर है ना। ठीक है। तो गजर पता नहीं यार ये चिड़िया पता नहीं कहाँ से आई, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। और ये एकदम से चिड़िया का जो पिछला पंख होता है वो मुझे दिखाई दिया यार, मैंने सोचा क्या है कोई सांप वगैरह तो नहीं है, लेकिन ये चिड़िया अधूर है ना। आराम से आराम से आराम से, और ये बिल्कुल भी नहीं डर रही है और आंख से आंख मिला रही है। अगर मैं इसके सामने खड़ा हो जाऊँ तो यार इसकी आंख बिल्कुल मेरे जस्ट आंख के सामने है, यानी कि ये मुझे देख रही है अच्छी तरीके से। टाइम दिखाऊं तो टाइम हो गया है 12:46 और हम सब की मतलब आंखें खुल रही है नींद लेने के लिए। दिनेश भी यहां पर बैठा है, गुड्डू भी यहां पर बैठा है, और गुड़ सर लड़का ही है। पढ़ पढ़ दे भाईयर। अरे गुड्डू गेट कॉल, गेट कॉल, गेट कॉल भाईयर भाईयर। रुक। अरे कुछ नहीं, अरे क्या हुआ?